हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। एचपीएससी एडीओ का एग्जाम आने वाला है और उसके लिए हमने एक मेगा रिवीजन सीरीज जो है स्टार्ट की है, जिसमें हर दिन हम आपके लिए नए टॉपिक्स से, मतलब जो भी टॉपिक्स उसमें सिलेबस में मेंशनड है, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस चेक नहीं करी है तो आप हमारी हमारे चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आपका एनालाइज आप खुद को कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को, कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप कहाँ पर किस चीज में लैक कर रहे हैं और कहाँ पर आपको ज्यादा पॉलिशिंग की जरूरत है, ठीक है। सो डू अटेम्प्ट सिंस दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चंस, सो क्वेश्चन नंबर वन, हु स्टार्टेड टू वर्क ऑन सीरियल रस्ट इन इंडिया। सीरियल रस्ट मतलब सीरियल रस्ट में क्या क्या आता है, हमारे हमारे ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, जो कि वीट में पाया जाता है। सो इंडिया में उस जो रस्ट था, रस्ट की स्टडी किसने स्टार्ट करी थी? ऑप्शन आर के सी मेहता, ई जे बटलर, एल एम जोशी, बी बी मुंडकर एंड के आर कीर्तिकर। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन द आंसर इज केसी मेहता, ठीक है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज केसी मेहता। केसी मेहता ने स्टार्ट किया था सीरियल रस्ट पे। उन्होंने डिफरेंट जो वीट के रस्ट होते हैं, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, उस पे और येलो रस्ट जो होता है उस पे स्टडी करी थी इंडिया में, कि वो कैसे कैसे उसका उसका स्प्रेड कैसे है और क्या क्या उसमें स्पोर्ट्स कैसे, उसकी सब चीज की स्टडी करी थी, ठीक है। देन वी हैव ईजे बटलर। ईजे बटलर कौन है? इंडियन पैथोलॉजी के फादर, ओके, फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। देन वी हैव बीबी मुंडकर। बीबी मुंडकर ने क्या करा था? इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन के आर कीर्तिकर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू स्टडी फंगस इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस पे स्टडी स्टार्ट करी थी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पूरी सीरीज का आपको पीडीएफ, एक एक वीडियो के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट सेज द ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग विच पैथोजन। सो ऊज टेस्ट होता है हमारा, ऊज टेस्ट में क्या करते हैं हम, कोई भी प्लांट का एक पार्ट कट कर लेते हैं, फिर उसको वाटर में थोड़ी देर तक हम डुबो के रखते हैं, उससे उससे पता चलता है हमें उसमें क्या होता है, टर्बिडिटी आ जाती है। जब ये जो पीसेस होते हैं इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो इसमें से ऊजिंग आउट होती है। ऊजिंग आउट होने से ये वाटर जो होता है टर्बिड हो जाता है। ये ऊजिंग आउट किस चीज की होती है? ये स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के। सो इट इज बेसिकली डन फॉर डिटेक्टिंग बैक्टीरिया, ओके। ऊज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री सेज इन ब्लैक रस्ट साइकिल वीट इज इन्फेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स। तो डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, डिफरेंट उसकी स्टेजेस होती हैं ब्लैक रस्ट की। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी ए पाउड बी करके, ठीक है, पाउड बी करके आप इसको याद कर सकते हैं। दिस इज पिक्नियल स्पोर, एशियो स्पोर्स, यूरिडियो स्पोर्स, टीलियो स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। तो इसकी स्टेजेस होती है जिनको अलग अलग डिजिग्नेशन दिया जाता है। इट्स कॉल्ड जीरो स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ये होती है फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो जो हमारी पिक्नियल स्पोर्स और एशियो स्पोर्स होते हैं, ये हमारे बार्बरस में होते हैं। बार्बरस क्या होता है? बार्बरस हमारा इसका अल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट होता है हमारा वीट। तो वीट पे ये दो स्टेजेस, सेकेंड और थर्ड स्टेज हमारी वीट पे होती है, वेयर इज जीरो और फर्स्ट स्टेज किस पे होती है? बार्बरस पे, ठीक है।
तो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि वीट इज इन्फेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स. तो वीट पे इन्फेक्शन कैसे होगा, जब एशियो स्पोर्स बार्बरिस से वीट पे आएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से ट्रांसफर होंगे वीट पे. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज एशियो स्पोर्स. एशियो स्पोर्स ट्रेवल करते हैं और फिर वो इन्फेक्ट कर देते हैं वीट को, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ मिक्सचर वॉज फर्स्ट यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो कौन से डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमने बॉडी ऑफ मिक्सचर बनाया था. वॉज इट पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ पी, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फोमोप्सिस ब्लाइट और नन ऑफ द अबव. सो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, मिलार्डेट ने, ठीक है, प्रोफेसर मिलार्डेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी. एंड बॉडिक्स मिक्सचर में क्या होता है, CuSO4 प्लस वी हैव लाइम प्लस वी हैव वाटर, ठीक है, 4:4:50 के रेशियो में और 5:5:50 के रेशियो में हम इसको मिक्स करते हैं. सो एज टू मेक दिस मिक्सचर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने डिस्कवर करा था, मिलार्डेट ने, एंड ही यूज्ड इट इन डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में, उसने सबसे पहले इसको यूज करा था. एंड दैट वाज आल्सो दैट वाज डन एक्सीडेंटली, उन्होंने इस पे यूज कर दिया था. एंड देन ही फाउंड कि जब हम ये वाला मिक्सचर उसमें स्प्रे करते हैं तो वी गॉट द कंट्रोल ऑन डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज द फंगस कोलेटोट्राइकम फेलिकटम, कोलेटोट्राइकम फेलिकटम कॉजेस विच डिजीज इन शुगर केन. सो कोलेटोट्राइकम फेलिकटम कौन सा डिजीज कॉज करता है, डिजीज के ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, रेड रॉट ऑफ शुगर केन मोजैक, शुगर केन येलो लीफ, ग्रासी शूट और स्मट ऑफ शुगर केन. तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक फोटो भी दी गई है, सो यू कैन गेस इट आई गेस. तो द आंसर इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जिसमें कि क्या होता है, जब आप कट करेंगे शुगर केन को पीसेस में तो आपको दिखेगा इसमें बीच में रेड कलरेशन हुआ रहता है, ठीक है, रेड कलर का कलरेशन होता है. और जिसका रिंड होता है वहां पर रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको बाहर से रेंट पे दिखेंगे. ओके, ब्लैक कलर के एंड रेड कलर के स्पॉट्स दिखेंगे. जब आप कट करेंगे तो इसमें से ऐसा रेड कलर का अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है. सो द आंसर इज रेड डॉट ऑफ शुगर केन. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज क्रिसिक सिम्टम्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज ऑफ राइस. सो राइस की कौन सी डिजीज है जिसमें क्रेसिक सिम्टम्स दिखते हैं. क्रेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, जो ये राइस का प्लांट है इसमें ऐसे यू कैन से व्हाइट कलर का बैंड टाइप का बनने लगता है, ठीक है. ये आउटर जो लेयर होती है, मतलब आउटर जो इसका पार्ट है उसमें डिसकलरेशन होने लगता है. सो दिस इज कॉल्ड क्रेसिक सिम्टम. सो ये किसमें होता है, इज इट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, खेरा डिजीज ऑफ राइस, फॉल्समेट और राइस ग्रासी स्टंट. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको कहते हैं BLB, ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं BLB. इट इज कॉज्ड बाय जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है. उस BLB जो डिजीज होता है उसमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिखाई देता है. Then moving on to the question number 7. Question number 7 says the Bengal famine of 1943. 1943 में बंगाल फेमाइन आया था, तो वो किस कौन से पैथोजन या फिर कौन से डिजीज की वजह से हुआ था एंड कौन सी क्रॉप पे हुआ था, ठीक है. द ऑप्शन आर ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, कॉफी रस्ट इन कॉफी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस. द आंसर इज ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, ठीक है. ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस की वजह से क्या हुआ था हमारा, बंगाल फेमाइन आया था. देन लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, इसकी वजह से क्या हुआ था हमारा, आयरिश फेमाइन आया था, ठीक है, आयरिश फेमाइन हुआ था. देन कॉफी रस्ट, ये कॉफी रस्ट बहुत एक्सटेंसिवली कॉफी में आया था,
श्रीलंका में, ओके, श्रीलंका में कॉफी रेस्ट हुआ था. देन इन दो डिजीज की वजह से तो कोई एफएमआई नहीं हुआ है, बट दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू रिमेम्बर देम. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. तो आपको देखना है कि कौन सा डिजीज अपने पैथोजन से मैच नहीं किया गया है करेक्टली. सो मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस, तो फर्स्ट वन इज ब्राउन स्पॉटेड राइस, दैट इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, दिस इज राइट, ओके. देन करनाल वेंट ऑफ व्हीट, करनाल वेंट ऑफ व्हीट किससे होता है, निवोशिया इंडिका, दिस इज ऑल्सो राइट. देन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टेलागो होर्डाई, दिस इज राइट. देन ईयर कॉकल ऑफ व्हीट, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, दिस इज नॉट राइट, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम एक बार, अगर एक से ज्यादा अगर गलत है तो. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किससे, ज़ेंथोमोनास ओराइज़ी, सो दिस इज ऑल्सो राइट. नाउ ईयर कॉकल ऑफ व्हीट इज नॉट कॉज ड्यू टू मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये किससे होता है, एंग्विना ट्रिटिसाई से, एंग्विना ट्रिटिसाई. इसमें क्या होता है, इट फॉर्म्स गॉल्स, ठीक है, इसमें गॉल्स फॉर्म हो जाते हैं ईयर कॉकल ऑफ बीट में, एंड दैट इज ड्यू टू एंग्विना ट्रिटिसाई डिजीज. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोटैटो हुज स्प्रेड इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड थ्रू प्लांट क्वारंटीन मेजर्स. सो प्लांट क्वारंटीन मेजर्स की वजह से एक ही जगह पर इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए. क्वारंटीन जो वर्ड है ये हमारे पेंडेमिक में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, एंड आई थिंक सो कि इसको डिफाइन करने की तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया है कि क्वारंटीन में क्या किया जाता है. इन्फेक्टेड पर्सन और द इन्फेक्टेड प्लांट, वी कैन से इन दिस केस दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस, ठीक है, उनको उसको उस प्लेस से बाहर नहीं जाने दिया जाता है. और अगर बाहर जाने भी दिया जाता है तो पहले डायग्नोज करते हैं. तो यहाँ से जो भी जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड है ये डिजीज, वहाँ से जो भी पोटैटो पोटैटो की डिजीज है या जो भी प्लांट प्रोडक्ट जो भी बाहर जाता है उसको पहले डायग्नोज किया जाता है, देन ओनली इट इज सप्लाइड आउटसाइड. सो इनमें से कौन सा एक डिजीज है पोटैटो का विच इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू प्लांट क्वारंटीन मेजर्स. सो ऑप्शंस आर ब्राउन रॉट, लेट ब्लाइट, वॉर्ट डिजीज, बैक्टीरियल विल्ट और चारकोल रॉट. सो द आंसर इज वॉर्ट डिजीज. वॉर्ट डिजीज जो पोटैटो का है वो मेनली हमारा दार्जिलिंग के एरिया में होता है. दार्जिलिंग में मेनली ये रिस्ट्रिक्टेड है, और यू कैन ऑल्सो से कि ये एंडेमिक है उसी पार्ट के लिए, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज द लूज स्मट ऑफ व्हीट इज, सो लूज स्मट ऑफ व्हीट, यहाँ पर पिक्चर भी आपके लिए लगाई गई है, ठीक है. लूज स्मट ऑफ व्हीट में क्या होता है, जो ईयर हेड होता है वो पहले ही मेच्योर हो जाता है, एंड मेच्योर होके वो क्या होता है, उसमें ब्लैक पाउडरी सा, यू कैन से ईयर जहां पर कि ग्रेन फॉर्म होना चाहिए थे, इंस्टेड ऑफ ग्रेन ब्लैक पाउडर लाइक मास जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, इस हेड में अपियर होता है, ठीक है. सो लूज मट ऑफ व्हीट ये एक्चुअली क्या है, इज इट एक्सटर्नली सीड बॉर्न और इज इट इंटरनली सीड बॉर्न, इज इट सॉइल बॉर्न और इज इट एयर बॉर्न. सो द आंसर इज इंटरनली सीड बॉर्न. इंटरनली सीड बॉर्न कैसे होता है, जब इसका सीड बनता है तो सीड के अंदर ही माइसीलियम इसका चला जाता है लूज स्मट का, ठीक है. एंड देन जब ये ग्रो करने लगता है तो जो नेक्स्ट सीजन में हमें पता चलता है कि इसमें एक्चुअली लूज स्मट का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है. जब ये ईयर हेड इमर्ज हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इट वॉज लूज मैट, उसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कॉज बाय राइस स्टेम बोरर. सो यहाँ से अब हम एंटोमोलॉजी वाला पार्ट शुरू करते हैं. सो राइस स्टेम बोरर इज वन ऑफ द मेजर, यू कैन से इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस. सो वो उसके सिम्टम्स क्या है, जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है लाइक
जब उसका इन्फेस्टेशन सॉरी इन्फेक्शन इज इन द केस ऑफ डिजीज, इन केस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट वी कॉल इट इन्फेस्टेशन. सो इन इंसेक्ट पेस्ट का जब इन्फेस्टेशन हो जाता है तो इनमें से कौन से सिम्टम्स आते हैं? इज अ डेड हार्ट, वाइट हेड, सिल्वरी शू, बोथ ए एंड बी विच मीन्स डेड हार्ट एंड वाइट हेड, और बोथ बी एंड सी, मतलब कि व्हाइट हेड प्लस सिल्वर शू. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, मतलब डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड दोनों ही इसके सिम्टम्स हैं. अब डेड हार्ट कब होता है? जब सीडलिंग स्टेज में ये राइस स्टेम बोरर जब अटैक करता है हमारे प्लांट को, तो ये क्या करता है, बोरर क्या करता है, स्टेम में नीचे जाता है एंड देन इसको यहाँ से कट करने लगता है, इसके जो अंदर के टिश्यूज होते हैं उसको कट कर देता है, बिकॉज ऑफ विच ये डेड हार्ट बन जाता है, विच मीन्स कि ये प्लांट जो प्लांट होता है उसका स्टेम ये ऐसे ही रहेगा, बट आप जब इसको प्लक करोगे ना तो यू विल फील कि वो उसके अंदर कुछ बचा हुआ नहीं रहता, इट इज ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम फ्रॉम द लोअर साइड. ठीक है, बेसल पार्ट से ऑलरेडी डिटैच हुआ रहता है. ठीक है, डेड हार्ट उसे कहते हैं. वाइट हेड कब होता है? जब इसकी मिल्किंग स्टेज होती है उस टाइम पे जब राइस स्टेम बोरर पे अटैक करता है तो क्या होता है, वो सारा सैप जो होता है वो सक कर लेता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच वाइट हेड फॉर्मेशन, मतलब जो पैनिकल होता है वो वाइट बन जाता है पूरा, बिकॉज उसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होती है ग्रेन की, तो इसलिए वो वाइट हेड की तरह अपीयर होता है. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज ट्री वेंडिंग इज डन इन मैंगो ट्रीज टू कंट्रोल डैश इंसेक्ट पेस्ट. ट्री वेंडिंग क्या होती है? जो ट्रीज होती है उस में बीच में बैंड फॉर्म बैंड बना देते हैं, इस टाइप का बैंड बना देते हैं. ठीक है, एंड इस पे जो भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं इस पे स्टिक कर जाते हैं या फिर नीचे गिर जाते हैं, यहाँ से वो होल्ड नहीं कर पाते उसको. ठीक है, सो ये किस केस में किया जाता है, कौन से इंसेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है? इज इट मैंगो हॉपर, मैंगो मिली बग, फ्रूट फ्लाई, मैंगो नट वीविल और बाग बोरर. सो द आंसर इज मैंगो मिली बग. मैंगो मिली बग में क्या होता है, जो मैंगो मिली बग में फीमेल होता है, ठीक है, वो एग लेइंग करता है इन द सॉइल, सॉइल में एग लेइंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दे आर विंगलेस फीमेल्स, और जो इसका लार्वा होता है दोज आर विंगलेस, वेयर एज जो इसके मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनमें विंग्स होते हैं. सो सिंस ये विंगलेस है तो ये जब मोल्टिंग करेंगे फिर ये लावा बन गया, तो ये ऊपर कैसे जाएंगे, है ना, ये ट्री के ट्रंक के थ्रू ही ऊपर जाते हैं, इस पे क्रॉल करते हुए ऊपर जाते हैं. तो हम ट्री बैंडिंग क्यों करते हैं, ताकि ये क्रॉल करते हुए जब ऊपर जा रहे हैं तो ये यहीं पर इधर ये स्टिक हो जाए या फिर ये इनसे नीचे गिर जाए. ठीक है, उसकी होल्ड ना बन पाए, इसलिए हम ट्री बैंडिंग करते हैं मैंगो मिलीबग से प्रिवेंट करने के लिए. Then moving on to the next question, question number 13, it says the toxin produced by Bacillus thuringiensis interferes with which part of insect body? So Bacillus thuringiensis क्या है, एक bacteria है. ठीक है, जिसको हम biocontrol agent की तरह हम use करते हैं. BT से क्या बनता है, हमारा BT cotton हमने नया बनाया है, then BT brinjal है ना, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो कि यूज की गई है अगेंस्ट डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट. सो इट सेज कि बीटी बैसिलस थुरिंजेनेसिस का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो कौन से इंसेक्ट बॉडी पार्ट में इन्फेक्ट करता है? इज इट ब्रेन, गट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्पाइरिकल्स और ब्लड? सो द आंसर इज गट. जब बीटी बैसिलस थुरिंजेनेसिस का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, इसका जो बीटी का जीन होता है ना, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिफरेंट जो हमारे क्रॉप्स होती है उनमें इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं. तो जब इन क्रॉप्स में इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्ट करते हैं, जब वो इसे खाते हैं तो उनके अंदर क्या टॉक्सिन चला जाता है. ठीक है, जो बीटी ने प्रोड्यूस करा है टॉक्सिन वो उनके अंदर चला जाता है. फिर क्या होता है, व्हेन इट एंटर्स द गट ऑफ द इंसेक्ट,
वहां पर जो उसकी इनर लाइनिंग होती है गट की, दैट इज यू कैन से इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर द टॉक्सिन. ठीक है, वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं उसके टॉक्सिन में. सपोज दिस इज दी गट पार्ट, तो इसकी इनर जो लाइनिंग है यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं. ये जब रिसीव करते हैं टॉक्सिन्स को तो ये बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो द इनर लाइनिंग इज बर्स्ट एंड देयरफॉर जो हमारा इंसेक्ट होता है वो किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज मूगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय. सो इंडिया में हमें पता है कि चार टाइप के सिल्क होते हैं, दैट इज एरी सिल्क, मलबरी सिल्क और मूगा सिल्क. मूगा सिल्क एंड वी हैव टसर सिल्क. ओके, सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. सो मूगा सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? मूगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथीरिया एसिमिलेज. ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि मूगा सिल्क क्या होता है. मोस्टली आसाम वाले एरिया में ज्यादा ग्रो किया जाता है, वहीं ज्यादा कल्टिवेट किया जाता है. तो एंथीरिया एसिमेंसिस मूगा सिल्क के लिए है, वेरेज एंथीरिया माइलेटा जो है हमारा टसर सिल्क है. बॉम्बिक्स मोराई से हमारा मलबरी सिल्क बनता है और एंथीरिया पैपियर से मूंग सॉरी एरी सिल्क होता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. सो कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं किया गया? फर्स्ट इज इंडियन बी, एपिस सेरेना इंडिका. ये बीज का नेम है और ये उसका साइंटिफिक नेम है, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं है. इंडियन बी एपिस सेरेना इंडिका, देन जायंट और रॉक बी दैट इज एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी मेलिपोना एरी डिपेंसिस, इटालियन बी एपिस मेलिफेरा और ऑला करेक्ट. सो इसमें रॉन्ग कौन सा है हमारा? लिटिल बी मेलिपोना एरी डिपेंसिस. मेलिपोना एरी डिपेंसिस कौन सा होता है हमारा? स्टिंगलेस बी होती है, स्टिंगलेस बी. एंड लिटिल बी में हमारा आता है एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन पैडी द क्लिपिंग टिप ऑफ सीडलिंग्स इज डन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट विच पेस्ट. सो ऑप्शन है हमारे ब्राउन प्लांट हॉपर, गंदी बग, ग्रीन लीफ हॉपर, येलो स्टेम बोरर और गॉल मिर्च. इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा गया है कि कौन से वाले पेस्ट, कौन सा इंसेक्ट पेस्ट जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जब नर्सरी से हम सीडलिंग निकालते हैं और उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कुछ सीडलिंग्स में हम क्या करते हैं, अपर जो उसकी अपर जो टिप होती है उसकी उसको क्लिप कर देते हैं. व्हाई व्हाई इज इट डन? बिकॉज जो येलो स्टेम बोरर है वो अपने एग लेइंग करता है ऑन द टिप ऑफ द लीफ. ओके, लीफ की जो टिप है वहां पर एग लेइंग करता है, दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दिस द इन्फेक्शन ऑफ और द इन्फेस्टेशन ऑफ येलो स्टेम बोरर हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर उसके टिप को उसके सीडलिंग्स की टिप को हटा देते हैं. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इट सेज एपिरिकेनिया मेलानोल्युका इज अ पैरासिटॉइड इफेक्टिव अगेंस्ट. एपिरिकेनिया मेलानोल्युका इट्स अ मॉथ. ठीक है, सो ये मॉथ इट एक्ट्स एज ए पैरासिटॉइड अगेंस्ट विच of the insect pest is the rice mealybug, fall armyworm, sugarcane plant hopper, rice gandibug or maize stem borer. So the answer is sugarcane plant hopper, that is pyrrella purpuscella जो sugar plant hopper है उसके against हम ये एज अ बायो एजेंट हम यूज करते हैं. ओके, देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 सेज चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन. सो जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स हम फाइंड करते हैं.
जो कि उसे जो उनके लिए सुटेबल होता है, जो उनके लाइक जो भी उनका हैबिट हैबिट होती है खाने की, उसके अकॉर्डिंगली वो एडेप्टेशन होता है उनका. सो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स किस में होते हैं? इज इट हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी और थ्रिप्स? सो आंसर यहाँ पर है हनी बी. ठीक है, हनी बी में जो होते हैं च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होते हैं. च्यूइंग टाइप किस चीज के लिए होते हैं? जो पॉलन ग्रेन है उसको च्यू करने के लिए. ठीक है, पॉलन ग्रेन को च्यू करने के लिए च्यूइंग टाइप होते हैं. और लैपिंग होता है जो नेक्टर होता है फ्लावर में जो नेक्टर होता है उसको सक करने के लिए हनी बी के पास होते हैं च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19, इट्स ए इलाइट्रा आर द मॉडिफाइड हार्डन फ्रंट विंग्स ऑफ. सो इलाइट्रा काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट, ये किस में पाया जाता है? सो हमारे पास ऑलरेडी एक फोटो है, इफ यू कैन गेस इट राइट. सो एक्चुअली क्या होता है, बीटल्स में इलाइट्रा फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो ये जो इसके फोर विंग्स होते हैं, फ्रंट विंग्स जो होते हैं, दो पेयर के विंग्स होते हैं इसमें, जो फ्रंट वाले होते हैं दोज आर हार्डन्ड, जो पीछे वाले होते हैं वो इसके लिए फ्लाइट के लिए यूज करता है इसको. ठीक है, सो जो फ्रंट वाले होते हैं जो हार्डन्ड होते हैं, उससे ये अपने जो हाइंड विंग्स होते हैं और जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 सेज इन राइस सिल्वर शूट इज कॉल्ड ड्यू टू. सो राइस में सिल्वर शूट एक सिम्टम है, ये आप वहां पर फोटो देख सकते हैं. सिल्वर शूट इसमें क्या हो रखा है, व्हाइटिश कलरेशन हो रखी है. सो ये वाला जो सिम्टम है वो किस में देखा जाता है, किस कौन से इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन में देखा जाता है? सो इज इट राइस हिस्पा, येलो स्टेम बोरर, गॉल मिर्च और लीफ रोलर? सो आंसर इज गॉल मिर्च. ओके, गॉल मिर्च के जो जब राइस पे ये अटैक करता है सो क्या होता है, गॉल फॉर्मेशन कर देता है. इसकी जो राइस की सीडलिंग होती है उसका जो टेलर फॉर्मेशन जब होती है, तो टेलर्स के नीचे ये गॉल फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, ये काइंड ऑफ गॉल फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है और ऊपर ऐसे सिल्वर शूट बन जाता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के सेशन में हमने सारे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए. आगे की भी वीडियोस ऐसी अपलोड होती रहेंगी और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा. मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा हमारी साइट पे जाके, बिकॉज दे आर अवेलेबल फ्रीली और आपके आपके लिए हेल्पफुल होगा अपने आप को असेस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को और ब्रश अप करने के लिए. ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.